जब रात में सो रहा था पूरा देश, अचानक से भारत में उतरा रूस का जहाज। इधर योगी की घूम रही थी एनकाउंटर गैंग, उधर मोदी ने हिला दी पूरी दुनिया। योगी के आदेश के बाद जब प्रयागराज में यूपी पुलिस के एनकाउंटर गैंग घूम घूम कर अतीक गैंग को खत्म कर रही है, इधर पीएम मोदी ने दिल्ली में बैठकर पूरी दुनिया को हिलाने का प्लान तैयार कर लिया है। जब पूरा हिंदुस्तान रात में सो रहा था, उसी दौरान आधी रात में अचानक से रूस का एक जहाज भारत में उतरा। इस जहाज में कोई और नहीं बल्कि रूस के सबसे खतरनाक कहे जाने वाले विदेश मंत्री सर्गेई लावरो बैठे थे। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के एक साल पूरा होने के बाद सर्गेई लावरो ये जहाज लेकर भारत आए हैं और अब बड़ा धमाका होने जा रहा है। मोदी और पुतिन मिलकर एक ऐसा गुप्त प्लान तैयार कर रहे जिसके बारे में दुनिया को खबर नहीं है। ये प्लान क्या है और आधी रात में जहाज लेकर रूस के विदेश मंत्री को भारत क्यों आना पड़ा, इसकी वजह आपको बताते हैं। अगले कुछ दिन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। दुनिया के कई देश अचानक से भारत पहुंच रहे हैं। G20 की पहली बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देश भारत आ रहे हैं। इस बैठक से पहले ही कई ऐसे ऐलान हो गए हैं जिनके बारे में जानकर आप हिल जाएंगे। 1 और 2 मार्च को G20 में शामिल होने वाले विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश जो अभी तक रूस का कुछ नहीं कर पाए, वो भारत में रूस को पकड़ने का पूरा प्लान तैयार करके बैठे हैं। अब तक जितनी भी इंटरनेशनल बैठक हुई है वहाँ पर पुतिन नहीं शामिल हुए, इसलिए रूस के दुश्मन देशों को लगता है कि पुतिन भारत जरूर आएंगे क्योंकि भारत पुतिन का दोस्त है। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की चाल है कि जैसे ही रूस भारत में पहुंचेगा उसे यहीं पर दबोच लिया जाएगा। भारत में होने वाली G20 बैठक में इस बार अमेरिका और चीन भी आमने सामने होंगे और एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने चीन ने अमेरिका के अंदर जासूसी गुब्बारे भेजे थे जिन्हें अमेरिका ने खत्म कर दिया था। लेकिन अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मोदी क्या करने वाले हैं। भारत में होने वाली G20 देशों की बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, मतलब कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किसके साथ है, भारत के साथ है या फिर अमेरिका के साथ। इस बैठक में दो गुट बनने की संभावना है। दावा किया जा रहा है कि भारत रूस के साथ चीन भी आकर खड़ा हो सकता है। पीएम मोदी को इस बैठक में पता चल जाएगा कि अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस सहित भारत के विरोधी देश क्या चाहते हैं। इसके हिसाब से भारत आगे की रणनीति तय करेगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के इन सभी देशों को एक साथ भारत में कोई और नहीं बल्कि मोदी के बीरबल एस जयशंकर संभालेंगे और इस नजारे को पूरी दुनिया देखेगी। अमेरिका, फ्रांस सहित पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस को इस बैठक में घेरा जाए, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर भारत अपने घर में रूस के लिए क्या करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरो को भारत भेजा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रूस और भारत के बीच फिर से कई बड़ी डील हुई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन अब हर कोई कह रहा है कि मोदी और योगी इस वक्त दोनों ही एक्शन मोड में हैं। इधर योगी के एनकाउंटर टीम और बुलडोजर दोनों ही अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे। दूसरी तरफ पीएम मोदी और एस जयशंकर दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।